दोस्तों तो फाइनली बांग्लादेश की अकल लगभग 47 दिनों के बाद ठिकाने आ ही चुकी है और इन्होंने भारत की शरण में आना खुद ही पसंद कर लिया है और भारत से मदद मांगी है कि हमें अपना माल भेजो अन्यथा अब हम बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल आप सभी को बता दूं कि 19 जुलाई से भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार लगभग रुक सा गया है। हमारे बीच ट्रेन की सुविधा भी बंद है और उससे व्यापार भी नहीं होता है। अभी क्या हुआ कि 12 अगस्त को बांग्लादेश के कई सारे उच्च स्तरीय के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करी, जिसमें बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर पर भारत को पत्र लिखा कि बांग्लादेश की हालात काफी ज्यादा खस्ता है और हमारे यहाँ पर जो उठापटक की प्रक्रिया चल रही है उसके पश्चात अब हमें भारत से माल इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके कारण से भारत हमें ट्रेन के रूट के माध्यम से अपना माल सप्लाई करे, साथ साथ ट्रेन सुविधा को भी जितने हो सके उतने जल्दी चालू किया जाए। तो आज यह खबर निकल के सामने आई है कि भारत सरकार की तरफ से करीब 40,000 मेट्रिक टन माल आज बांग्लादेश को सप्लाई किया गया है और यह 47 दिनों के बाद हो रहा है जब भारत की तरफ से इतनी बड़ी मात्रा में माल बांग्लादेश को दिया गया हो। वैसे आप सभी को बता दूं कि भारत की तरफ से अभी चावल, गेहूं, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध है, साथ में प्याज भी अभी नहीं जा रही है बांग्लादेश को भारत की तरफ से, परंतु बांग्लादेश ने अपनी मेनली इंडस्ट्री के लिए भारत से माल इंपोर्ट किया है, जिनमें जिप्सम पत्थर, सूखा तेल, केक एवं जो प्राकृतिक गैस है वो भारत से इंपोर्ट कराई गई है बांग्लादेश के द्वारा, ताकि इंडस्ट्रियों को फिर से शुरू किया जा सके। अब वैसे तो बांग्लादेश वालों ने जिस प्रकार से भारत से संबंध बिगाड़े हैं उसके तहत भारत को यह माल भी बांग्लादेश को नहीं देना चाहिए था, परंतु व्यापार की बात है, इससे भारत को भी मुनाफा होता है, तो भारत ने बांग्लादेश के लिए अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए यह सब माल की सप्लाई स्टार्ट कर दी है। पर आप सभी को क्या लगता है, और बांग्लादेश यदि भारत को धमकियां देता है तो क्या भारत को इस प्रकार का काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।